हेलो गाइज, वेलकम बैक। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और इस प्रकार का नया नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। हाय गाइज, गुड इवनिंग दोस्तों। आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 3 वॉलेट ऐप के बारे में। और ये जो वॉलेट है, बेसिकली ये एक नियो बैंक है जो कि टीनेजर्स लोगों को बैंकिंग का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपका एज 18 साल से भी ज़्यादा हो चुका है तब भी डरने का बात नहीं, क्योंकि भाई मेरा भी एज 18 साल से ज़्यादा है और मेरा फ्रेंड सर्कल में जितना भी लोग है लगभग सबका एज 18 साल से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन सब लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, किसी का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है और मेरा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये जो तीनों ऐप है, तीनों ऐप आप लोगों को वर्चुअली डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और कुछ ऐप है जो कि आप लोगों को फ्री में ही वर्चुअल डेबिट कार्ड साथ साथ फिजिकल डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, और कुछ ऐसा ऐप है जो कि वर्चुअल कार्ड तो आप लोगों को फ्री में दे देते हैं लेकिन फिजिकल कार्ड का कुछ चार्जेस लगाते हैं। अगर आप लोग भी 2021 में कुछ ऐसा एप्लीकेशन का तलाश पर हो जो कि आप लोगों को बिल्कुल फ्री में वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो पर मैं जो कि ज़्यादा कुछ एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताया हूँ, मैं यहाँ पर मुझे जो 3 ऐप अच्छा लगता है उसी ऐप के बारे में बताया हूँ। और ये तीनों ऐप या फिर ये तीनों जो नियो बैंक है आप लोगों को फ्री में वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं, और फिजिकल डेबिट कार्ड का कुछ चार्जेस है, और एक ऐसा ऐप है जो कि आप लोगों को फिजिकल डेबिट कार्ड भी फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो क्या क्या ये ऐप है जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देख लीजिएगा। बट दोस्तों, उससे पहले चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके रखना, और साथ साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करके जो रखना। वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार एक लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तोराज और आप लोग देख रहे हैं माय मर्डर। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का नया और कुछ खास एपिसोड्स। दोस्तों, हमारे लिस्ट का टॉप 3 में जो ऐप है उस ऐप का नाम है फैमपे, और यहाँ पर बताया गया है फैमपे प्रीपेड कार्ड पेमेंट फॉर टीनेजर। मतलब ये जो ऐप है बेसिकली खास तौर पर टीनेजर्स लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर डरने की कुछ बात नहीं है, अगर आपका एज 18 साल से ज़्यादा भी हो चुका है तब भी आप लोग इस ऐप को यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि मेरा एज भी 18 साल से ज़्यादा है। तो अभी मैं चलिए आप लोगों को एप्लीकेशन को ओपन करके दिखाता हूँ इसका क्या कुछ चीज़ें हैं और इसका इंटरफेस क्या है। ऐप का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से, और ये जो ऐप है आप लोगों को बिल्कुल फ्री में वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसका जो फिजिकल कार्ड है उसका कुछ चार्जेस है। वर्चुअल डेबिट कार्ड को प्राप्त करने के लिए आप लोग सिंपल सा इस वॉलेट एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, क्या कुछ है इसका कहानी, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बना कर रखे हैं, और हर एक वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ। आप लोग चाहे तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले इस वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देख लीजिए। सो एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पर जो कार्ड नाम का सेक्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है पूरा का पूरा सामने आ जाएगा। उसका पूरा का पूरा, जैसे कि उसका नंबर, CVV, एक्सपायरी डेट, पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। और ये जो वर्चुअल कार्ड आप लोगों को वीज़ा के तरफ से मिलेगा, वीज़ा प्लैटिनम का कार्ड इस टाइम को मिल रहा है। और अगर आप लोग इसको फिजिकली ऑर्डर करेंगे तो फिजिकली कार्ड को भी आप लोग यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, सेम कार्ड ही मिलेगा, मतलब वीज़ा का जो प्लैटिनम कार्ड है वही मिलेगा, लेकिन फिजिकल कार्ड का कुछ चार्जेस है। और कितना चार्जेस है आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे। तो ये जो वॉलेट ऐप है आप लोगों को वर्चुअल एंड फिजिकली दोनों प्रकार का कार्ड प्रोवाइड करते हैं। हालांकि वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री है और फिजिकल डेबिट कार्ड का कुछ चार्जेस है। दोस्तों, हमारा लिस्ट का टॉप 2 में जो ऐप है उसका नाम है ओलरेस या फिर ओलरेस। ये जो ऐप है ये भी टीनेजर्स लोगों के लिए ऐप है, यानी अगर आपका एज 18 साल से कम है तब भी आप लोग इस ऐप को यूज़ कर पाएंगे, और अगर आपका एज 18 साल से ज़्यादा भी है तब भी डरने की कुछ बात नहीं भैया, तब भी आप लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिर्फ पैन कार्ड का ज़रूरत होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फटाक से इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। और ये जो ऐप है आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर अभी मास्टर कार्ड का वेरिएंट है, लेकिन आप सबको पता ही है मास्टर कार्ड ऑलरेडी इंडिया पर बैन हो चुका है। तो अभी शायद आप लोगों को रुपए का डेबिट कार्ड मिलेगा या फिर वीज़ा का मिलेगा, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जब वॉलेट को रजिस्ट्रेशन किया था तो मुझे मास्टर कार्ड मिला था। और इसका वर्चुअल डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो कि है अभी फिजिकल डेबिट कार्ड आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि फिजिकल डेबिट कार्ड का इनका जो स्टॉक है वो पूरा का पूरा ख़त्म यहाँ पर हो चुका है। लेकिन बहुत जल्दी ये लोग जो कि है फिजिकल डेबिट कार्ड लेके आने वाला है, तो तब तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग फिजिकली डेबिट कार्ड को ना लेते हुए संतुष्ट रहना चाहते हो वर्चुअल डेबिट कार्ड से, तो ये जो वॉलेट ऐप है आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार ऐप हो सकता है, क्योंकि भाई इसका जो इंटरफेस है सच में काफ़ी कमाल का चीज़ है, और हम लोगों ने इस वॉलेट के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं,
उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ। आप लोग चाहे तो कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, कैसे फुल केवाईसी करते हैं, कैसे डेबिट कार्ड को ऑर्डर करते हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स मैं बना कर रखा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। डिस्क्रिप्शन पर हर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग चाहे तो उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो को आप लोग पहले कंप्लीट देख लीजिए। सो दोस्तों, हमारा लिस्ट का टॉप वन पे जो ऐप आता है इसका नाम है ओमनीकार्ड। और ये दोस्तों एक वॉलेट ऐप है, साथ साथ ये एक नियो बैंक ऐप भी है। सो इसका अगर हम लोग अबाउट सेक्शन विजिट करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है, आप लोग अबाउट सेक्शन को अच्छे तरीके से विजिट कर लेना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा चीज़ें मेंशन है। लेकिन मैं अगर इस वीडियो पर ज़्यादा कुछ बताऊँगा तो सच में यार वीडियो लगभग 2 घंटे का हो जाएगा और आप लोग भी बोरिंग हो जाओगे। और दोस्तों ये जो ऐप है ये आप लोगों को बिल्कुल फ्री में एक वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं। आप लोग ऊपर में देख पा रहे हो इस जगह पर कार्ड नाम का सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका जो वर्चुअल कार्ड है पूरा का पूरा नज़र आ जाएगा। कार्ड का पूरा नंबर, एक्सपायरी डेट, साथ में CVV नंबर, मतलब जिसको आप लोग देखना चाहते हो पूरा का पूरा डेट यहाँ पर मिल जाएगा। और दोस्तों एक खास बात है, ये जो ऐप है ना आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में फिजिकल डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करते हैं। हालांकि डेबिट कार्ड से जितना भी सारा ट्रांजेक्शन किया जाता है, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, किसी मार्जिन को पेमेंट करना हो, सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिलहाल इस ऐप पर जो वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है या फिर जो फिजिकल डेबिट कार्ड मिलता है दोनों में से किसी भी कार्ड से आप लोग ATM से कैश को विदड्रॉ नहीं कर पाओगे। बाकी के इसका जो ट्रांजेक्शन है बहुत सारा चीज़ें है यार, यहाँ पर जो QR कोड स्कैनर का भी ऑप्शन जुड़ा गया है और इस ऐप के बारे में हम लोगों ने डेडिकेटेड वीडियो बना कर रखा है, उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो ये जो ऐप है आप लोगों को वर्चुअल कार्ड तो बिल्कुल फ्री में ही प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ फिजिकल कार्ड भी फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं अभी तक, लेकिन आने वाले टाइम पर क्या कुछ होगा मुझे भाई पता नहीं। तो यार वीडियो को मिस ना करते हुए डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक है उस वीडियो का आप लोग एक बार देख लेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, कैसे कार्ड को बुकिंग किया जाता है, पूरा का पूरा चीज़ें मैं इस वीडियो पर बताऊँ, लेकिन इस वीडियो को आप लोग पहले एंड तक देखिए। तो यार आप लोगों ने देख लिए, मैंने आज आप लोगों को तीनों एप्लीकेशन के बारे में बताया हूँ जो ऐप आप लोगों को बिल्कुल फ्री में वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। और फिजिकल डेबिट कार्ड का अलग अलग ऐप पर अलग अलग वेरिएंट है, लेकिन दोस्तों ओमनीकार्ड पर आप लोगों को दोनों वेरिएंट का कार्ड इस टाइम को फ्री में मिल रहा है। तो आप लोग चाहे तो ओमनीकार्ड का जो वर्चुअल कार्ड है उसको भी ले सकते हो या फिर ओमनीकार्ड का जो फिजिकल कार्ड है उसको भी ले सकते हो। और दोस्तों ये जो तीनों ऐप का मैंने आज रिव्यू करके दिखाया है और आप लोगों को इन्फॉर्म कि ये जो तीनों ऐप है आप लोगों को इस प्रकार का कार्ड प्रोवाइड करते हैं, अगर आप लोग इससे पहले इस तीनों में से किसी भी ऐप को इस्तेमाल किए हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस है या फिर आपने इस ऐप को कितना पसंद किया हो या फिर जो भी है अपना सहमति पत्र आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। सो गाइस वॉच करने में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जल्द मिलेंगे इस पर का नया शानदार और कमाल एपिसोड के साथ। आज के लिए गाइस बाय बाय।